नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार है। आप ये वीडियो देख रहे हैं आनंद जी मास्टर चैनल पे गाइस, और बेल आइकन को मैं ऑल क्लिक कर कर लेटेस्ट एंड टेक्नोलॉजी वीडियो देखिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज अनबॉक्सिंग करेंगे टीपी लिंक के WN821N, कह सकता हूँ वाईफाई राउटर के, जो कि गाइस डायरेक्टली आपके राउटर से कनेक्ट हो जाता है। इसके फीचर इसलिए मैं मेनली वीडियो लेके आया हूँ कि इसके जो फीचर है राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के, वो भी अच्छे हैं एज कंपैरिजन, और 3 साल के इसके अंदर वारंटी मिल जाती है। और गाइज मैं बात करता हूँ आपको, क्योंकि इसका प्रीवियस वर्जन भी मेरे पास है, जो कि गाइज मैं अपने विंडो 7 में यूज करता था। तो गाइज इसका जो है WN721N है, तो गाइज इसमें मैं सिर्फ विंडो 7 तक ही यूज कर पाया इसे, इसके बाद इसका अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर नहीं आया, तो दिस रीजन मैं ये यूज नहीं कर पाया। बट गाइज फाइनली अपग्रेडेड मॉडल आ चुका है, जो कि गाइज ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, और मैं बात करूंगा अभी थोड़ा सा और टाइम के साथ, जैसे कि चीजें अपडेट होती रहती हैं। और यहां से मैं डायरेक्टली एक आप मैं अभी कंपैरिजन दिखाता हूं इसे खोल के थोड़ा सा। जैसे कि बात करता हूं मैं इसकी, मेन डिवाइस गाइस ये है हमारे पास, तो यहां से ये, तो गाइस ये था मेरा 2010 का डिवाइस एंड ये है 2020 का, तो 10 साल में गाइस साइज तो छोटा हो गया है, अगर कुछ हो ना हो, एंड पूरा ही कॉम्पैक्ट कर दिया है डिजाइन को, तो आप यहाँ पे ये बेस्ट तरीके से देख पाएंगे। और बट मैं फीचर्स की बात करूँ तो गाइस लमसम सेम ही है सब में, दोनों में। यहाँ पे SSWPS कनेक्ट करने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे भी यहाँ पे SSQ मिल जाता है कनेक्ट करने के लिए, और सीरियल नंबर में लमसम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए दुगने कर दिए। यहाँ पे 1200 की सीरीज चल रही है, यहाँ 2200 की सीरीज, लमसम दुगने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। और यहाँ पे मुझे जो इसमें मिलती थी 150 Mbps की स्पीड मिलती थी राउटर से कनेक्ट करने के बाद, बट अपग्रेड होने के बाद इसमें मुझे 300 Mbps की स्पीड मिलती है। और ये जो मुझे पड़ा था लमसम 750 रुपये का पड़ा था भाई, ये पड़ा है मुझे मात्र 670 रुपये का, तो गाइस कंपैरिजन में बात करूँ तो थोड़ा सस्ता है टाइम के साथ। और यहाँ पे कुछ नहीं, एक छोटा सा कार्ड है। ओ शेट, मेरे डेस्कटॉप में डीवीडी राइटर नहीं है, तो यार मैं कैसे कॉपी करूंगा। तो गाइस एक सीडी मिली है, जो कि मैं क्वालिटी वाइज बात करूं तो ओरिजिनल ही है, कुछ ज्यादा खास तो इसका फीचर है नहीं जो मैं आपको बताऊं। और यहाँ पे मैनुअल गाइड दिए, तो गाइस इसे पढ़ लेना तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है इस कंपैरिजन, आप पीसी में लगाएंगे डायरेक्टली। और यहाँ पे केबल दिए, तो गाइस केबल का भी काम बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे गाइस कुछ नहीं मिलता, बस आपको WTP बटन दबाना है और WPS बटन दबाना है, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो अच्छा फीचर है। और यहाँ पे जो केबल मिलती है हमें इसके साथ, बात करूं तो गाइस लमसम 1 मीटर की केबल है, और क्वालिटी वाइज बात करूं तो गाइस बहुत ही अच्छी लग रही है, जो कि गाइस मुझे इसके साथ भी ऐसी समथिंग केबल मिली थी और इतनी ही बड़ी मिली थी, बट ये थोड़ी सी क्वालिटी वाइज इम्प्रूव की गई है, थोड़ा सा जैक अच्छा लग रहा है। प्रीवियस वर्जन भी मेरे पास पड़ा है, बट वो अभी टीवी में लगा रखा है, तो अभी नहीं निकाल के दिखा सकता मैं आपको। तो गाइस यहाँ पे एक मुश्किल मेरे लिए सबसे बड़ी ये क्रिएट कर दी है कि मुझे यहाँ पे सीडी दी, मुझे इसका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं मिल पाया, तो मेरे पास डीवीडी राइटर नहीं है कि मैं इसे रन कर सकूँ किसी में, तो भाई यहाँ पे मैं फंस जाऊंगा। एंड अदर बात करूँ तो भाई लमसम सब कुछ रेडी है, फर्स्ट क्लास वर्केबल है। तो डेस्कटॉप वर्जन के लिए गाइस कैसे कनेक्ट करना है, तो गाइस मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ। और ये वीडियो मेरी हाई पर समाप्त होती है, तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।